नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कटारियास इंडियन किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेट लॉस स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और ये है चिया सीड्स पुडिंग। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बिल्कुल इसका जो टेस्ट है ना वो रस मलाई के जैसा लगता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बिल्कुल इंस्टेंट बन जाता है ये। साथ ही आप इसे पहले से बना के स्टोर भी कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। वेट लॉस की पहले भी मैंने कुछ रेसिपीज शेयर की थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो यहाँ पे आज ये ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम और इसमें बिल्कुल भी आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये टेस्टी सी चिया सीड्स पुडिंग बनाने के लिए 150 ml मैंने यहाँ पे मिल्क ले लिया है। मिल्क जो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ये लो फैट मिल्क है यानी टोन मिल्क का मैंने इस्तेमाल किया है। कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क भी आप ले सकते हैं, सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क का भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें 50 ml यहाँ पे पानी डाल देंगे और यहाँ पर इन जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनकी जो कैलोरीज हैं वो आपको नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करना चाहिए। उसकी जो डिटेल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डाल देते हैं चिया सीड्स। तो चिया सीड्स जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून डालना है, 1 टेबल स्पून डाल दिया है। साथ ही आधा टेबल स्पून और डाल देंगे, टोटल 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून हम इसमें एक फ्लेवर के लिए डाल देंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर ज़रूर डालिए, काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है इस रेसिपी में इसका। और साथ ही अब हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं केसर। केसर वैसे डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो भी चलेगा या इसके बिना भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा, बिल्कुल रस मलाई वाला जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा आपको इस रेसिपी में। स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ पे इसमें स्टीविया का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं स्टीविया। तो मैंने यहाँ पे स्टीविया डाल दिया है इसमें आधी छोटी चम्मच के जितना। और साथ ही यहाँ पे अगर आप चाहें तो हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको स्टीविया नहीं डालना है, या फिर पाउडर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। अच्छे से हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे ओवरनाइट के लिए। तो आप इसे ढक दें और ढक कर आप इसे लगभग ओवरनाइट के लिए फ्रिज में ज़रूर से रख दें, या तो एटलीस्ट आप इसे 7 से 8 घंटे फ्रिज में ज़रूर से रखें ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है, मैंने ओवरनाइट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं चिया सीड काफ़ी अच्छे से सेट हो गए, एकदम बढ़िया से फूल गए हैं और केसर की वजह से इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है और एकदम चिल्ड है ये। तो एकदम चिल्ड सा हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या करें, कोई भी यहाँ पे ग्लास का जार ले लें या फिर आप कोई भी यहाँ पे कटोरी वगैरह ले लें और उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे चॉप किए हुए बनाना डालेंगे। तो एक छोटी साइज़ का बनाना लिया था मैंने, इस तरीके से पतले पतले पीसेस में मैंने उसे कट कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे ये जो चॉप किया हुआ बनाना पहले हम नीचे डाल देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर अब हमने ये जो टेस्टी सी चिया सीड्स की पुडिंग बनाई है इसे डालेंगे इस तरीके से। तो ये सारा चिया सीड्स पुडिंग हम इसमें डाल देंगे और यहाँ पर ये चिया सीड्स पुडिंग डालने के बाद हमें ऊपर से थोड़े सी बारीक चॉप किए हुए ये बनाना डालना है। तो यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ बनाना था वो भी मैंने इस पर इस तरीके से ऊपर से डाल दिया है और बाकी अब हम इसे गार्निश कर लेंगे थोड़े से चॉप किए हुए अलमंड्स यानी बादाम के साथ। तो बादाम यहाँ पे जो इस्तेमाल किए मैंने सोक करके रखे थे, सोक किए हुए अलमंड्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप कोई सीड्स भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के इसके ऊपर। और थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं यहाँ पर इसे केसर के साथ और ये बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सी हमारी चिया सीड्स की पुडिंग बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी लग रही है दिखने में, तो खाने में आप सोचिए बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं या फिर आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, तो ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ज़रूर से आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह की अगर आप और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।